हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आर माई विलेज किचन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ अंडे पालक की बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी, जिसे बनाना तो बहुत ही आसान है और बनता है तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने पालक लिया है 250 ग्राम के करीब और इसको अच्छे से साफ करके धुल लिया है। अंडे लिए हैं, यहाँ पे हमने 7 अंडे लिए हैं। अंडे को पहले हमने अच्छे से उबाल लिया है, उबालने के बाद इसको छील लिया है अच्छे से। और तो यहाँ पे दोस्तों पालक के जो डंठल है इसको हमने देखिए नहीं हटाया है, सिर्फ पत्तियाँ पत्तियाँ नहीं ली हैं, डंठल भी इसके साथ हमने लिया है, ये देखिए। और इससे बहुत ही और टेस्टी बनता है। अंडा और पालक तो दोस्तों आपने कई बार बना के खाए होंगे अलग अलग तरीके से, लेकिन मेरे इस नए तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब बनेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें डाल दिया है हमने जो है पानी, और पानी को जो है अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सारी पालक को इसी में डाल देंगे। तो दोस्तों जो है पालक ज़्यादा दिख रही है तो थोड़ा सा ऐसे हम अभी दबा देंगे ऐसे ऐसे, और 2 मिनट पालक को हम इसी पानी में पका लेंगे। ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल नहीं पकाना है, बस इसको इतना ही पकाना है कि इसका कच्चापन जो है निकल जाए, बस इतना ही से हमें जो है पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अच्छे से उबाल आ चुका है तो हमने गैस को बंद कर दिया है, 2 मिनट हो चुके हैं। तो जो है हमने यहाँ पे एक छन्नी ली है, छन्नी में सारी पालक को तो ऐसे हम निकाल के इसी में रख लेंगे ताकि जो पानी है वो भी छन जाए, और इस पानी को आप किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम रख देते हैं एक साइड में, आगे तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे फिर से हमने देखिए कढ़ाई रख दी है गैस पे और इसको जो है गैस जला दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है तो हमने यहाँ पे डाल दिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल में दोस्तों बहुत ही अच्छा जो है अंडा और पालक बनता है। और यहाँ पर हमने खड़े मसाले लिए हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, स्टार मसाला और जो है तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, जीरा, यहाँ खड़े मसाले लिए हैं। और इसके डालने के तुरंत बाद हमने यहाँ पे 2-3 बारीक प्याज काट रखी थी, उसको डाल देंगे। तुरंत डालना है दोस्तों, क्योंकि खड़े सूखे मसाले होते हैं तो वो जलने लगते हैं, तो इसीलिए हमने तुरंत प्याज को डाल दिया है। और प्याज जो है हमने डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे दोस्तों जो है अदरक लहसुन को, जो हमने यहाँ पे मिक्सर जार में दरदरा ऐसे पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, और इससे काफ़ी अच्छा जो है टेस्ट आता है। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। पहले हमने यहाँ पे इसलिए नहीं डाला है क्योंकि अदरक जो है वो चिपकने लगती है जल्दी। तड़के को दोस्तों हम सुनहरा पका लेंगे। तो यहाँ पे तड़का जो है हमारा सुनहरा हो चुका है, तो हम डालेंगे यहाँ पे देखिए 2 टमाटर, हमने यहाँ पे पेस्ट बना लिया था और इसको डाल देंगे दोस्तों। आप इसमें काट के भी टमाटर डाल सकते हैं, बारीक काट के। और इसे डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे नमक, और नमक डालने के बाद टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए दोस्तों, टमाटर अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे डाल रहे हैं दोस्तों धनिया पाउडर, तो छोटे चम्मच से 2 चम्मच हमने डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम डालेंगे दोस्तों लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम डाल देंगे दोस्तों पानी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने थोड़ा ही पानी डाला है, 1 कप के करीब पानी डाल दिया है ताकि सूखे मसाले हमारे जले ना और बहुत ही अच्छे से पके। और मसाला जब अच्छे से पका रहता है तो स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमने डाल दिया है दरदरी जो है कुटी हुई काली मिर्च, और इसे डालने से बहुत ही लाजवाब जो है इसका स्वाद आता है। तो इसे जो है सारे मसालों को दोस्तों अब अच्छे से हम पका लेंगे, थोड़ा ढक देते हैं। और इधर देखिए दोस्तों, मसाले हमारे पक रहे हैं। यहाँ पे हमने जो है पालक को ठंडा हो जाने के बाद इसे एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, इसको एक साइड में रख दिया है। अब अंडे लेंगे दोस्तों। अंडे में जो है हम इस तरह कट लगा लेंगे सारे अंडे में, और कट लगाने से ये रहता है कि दोस्तों इसके अंदर जो है मसाले बहुत ही अच्छे तरीके से चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मसाले जो है हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो देखिए तेल जो है ऊपर आ गया है, और इसका मतलब हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो थोड़ा सा हम इसको अच्छे से चला देंगे, और चलाने के बाद अब इसमें हम दोस्तों डालेंगे जो पालक का जो हमने अच्छे से पेस्ट बनाया था, ये देखिए, और इसको जो है हम डाल देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे पालक को दोस्तों हमने थोड़ा सा पानी डाल के और इसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया था।
अब इसको पालक को डालने के बाद दोस्तों अच्छे से इसको हम चला देंगे। तो देखिए दोस्तों कितनी प्यारी इसकी ग्रेवी लग रही है, देखने है ना, देखने में कितनी कितना लाजवाब लग रहा है। तो इसको दोस्तों अच्छे से हमने यहाँ पे दोस्तों इसको चला दिया है और इसको जो है अब हम ढक के थोड़ी देर पका लेंगे। और इसको चलिए ढक देते हैं और इसको रख देते हैं दोस्तों एक साइड में दूसरी तरफ पकने के लिए। यहाँ हम अगली तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक हमने फ्राई पैन लिया है और गैस भी ऑन कर दिया ताकि जो है पानी अच्छे से सूख जाए इसमें जो था। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पे सरसों का तेल। तो दोस्तों इसको डीप फ्राई नहीं करना है, बस इसका इसको जो है थोड़ा सा ही तेल डाल के इसको जो है अंडे को हमें फ्राई करना है। तो देखिए थोड़ा तेल डालने के बाद हमने ऐसे चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है, तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हमने जो अंडे यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा के रखे थे सारे अंडे इसी में डाल देंगे। तो दोस्तों सारे अंडे डालने के बाद इसको जो है हम इस तरह हिलाते हुए इसे जो है फ्राई कर लेंगे ताकि जो है ये चारों तरफ अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिलाने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे जो है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे डाला है हमने लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा डाल देंगे दोस्तों इसमें जो है नमक, और इससे जो है कलर भी अच्छा आता है और टेस्टी भी बनता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सारी चीज़ें हमें मिला जो है डालने के बाद हम इसको ऐसे हिला देंगे तो सारे मसाले जो है अंडे में अच्छे से जो है लग जाएगा। तो ये देखिए मसाले अच्छे से मिला दिया है हमने और इसी तरह जो है हिलाते हुए हम पका लेंगे अंडे को ताकि चारों तरफ ही अच्छे से पक जाएं। तो ये देखिए दोस्तों जो है अंडे जो है अच्छे से पक गए हैं। तो आइए हम उधर देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे पकने के लिए रखा था, इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए मसाले पालक के साथ बहुत ही अच्छे पक गए हैं और देखिए तेल भी इसमें ऊपर आने लगा है। तो चलिए दोस्तों अब इसमें डाल देंगे अंडे जो हमने यहाँ पे फ्राई कर रखे थे, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और सारे अंडे डालने के बाद दोस्तों इसको जो है हम अच्छे से चला देंगे। तो देखा ना दोस्तों कितना ही टेस्टी और कितना लाजवाब दिख रहा है। अब चलिए दोस्तों इसको जो है हम ढक देते हैं, इसको एक दो मिनट ढक देते हैं। सारे मसालों के साथ जब अंडे पकेंगे तो उसके अंदर बहुत ही अच्छे से फ्लेवर जाएगा और अंडे जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो देखिए दोस्तों एक दो मिनट पकने के बाद सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे पानी डाल दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला है, बस थोड़ा ही डालना है ग्रेवी के अनुसार। जितनी आप पतली या गाढ़ी ग्रेवी बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला है, इसको अच्छे से चला देंगे। चलाने के बाद इसको हम जो है 15 से 16 मिनट अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये अच्छे से पक गया है। आइए हम गैस को अब बंद कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों सुपर और डिलीशियस रेसिपी हमारी अंडे और पालक की बन के रेडी हो गई है। तो देखा ना दोस्तों बनाना कितना ही आसान है और खाने में तो इतना टेस्टी लगेगा कि पूछो ना। तो आइए दोस्तों इसको हम निकाल लेते हैं एक कटोरे में। तो सारे अंडे को हम इसमें निकाल के रख ले रहे हैं अलग। दोस्तों अगर मेरे इस तरीके से आप एक बार बनाएंगे तो आपका दिल इस तरह बनाने का बार बार करेगा कि हम इसी तरह अंडा और पालक जो है बना के खाएं, और सारे तरीके तो आप भूल ही जाएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।